राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर और सिंधु साहित्य एक कल्चरल सोसाइटी अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को चौरसियावास रोड स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में सिंधु आइडल गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अध्यक्ष सुंदर मटाई ने बताया कि कार्यक्रम संयोजिका अनीता शिवनानी रही। इनके निर्देशन में यह कार्यक्रम किया गया। प्रतियोगिता के पहले चरण के ऑडिशन में भाग लेने आए सभी प्रतिभागियों में सर्वश्रेष्ठ 3 का चयन हुआ और 16 जून को दूसरे चरण में अजमेर में आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में जीतने वाले प्रतिभागियों को राजस्थान सिंधी अकादमी जयपुर द्वारा प्रथम स्थान के लिए आकर्षक नगद इनाम राशि 31,000 रुपये, दूसरे स्थान के विजेता को 21,000 रुपये और तीसरे स्थान के विजेता को 11,000 रुपये दिए जाएंगे और शेष रहे सभी फाइनलिस्ट को सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। और राजस्थान सिंधी अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में आज 19 तारीख को प्रेम प्रकाश आश्रम में सिंधी आइडल संगीत का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारा ध्येय यही है कि सिंधी बच्चे जो कि स्टेज पर आने में थोड़े झिझकते हैं उनको खुला प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए हमने ये आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में बच्चे बड़े एज ग्रुप इसमें है नहीं, इसलिए दूसरे लोग भी आए हैं और अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए हैं। हम अजमेर जो निवासी हैं यहाँ के, उनके दिमाग में दिल में ये उमंग पैदा करना चाहते हैं कि जितने भी संगीत के कार्यक्रम हैं उसमें वो शरीक हुए, सिंधी बोली का इससे विकास होगा और सिंधी भाषा का भी इसमें उन्नति होगी। इस कार्यक्रम के लिए हमारे सिंधी अकेडमी ने बहुत सहयोग दिया है। अजमेर के जो भी सोसाइटीज हैं उनके अध्यक्षों ने हमारे बहुत सहयोग दिया है, स्कूलों से और दूसरी जगहों से भी बच्चे अच्छी तरह से। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।